चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा कदम भी उठाया। आपको बता दें, जिसके मुताबिक कांवड़ यात्रा रूटों पर अब दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अब उत्तराखंड सरकार ने भी यूपी सरकार के तहत अब फैसला लिया और विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी उफान पर है। कांवड़ यात्रा पर सीएम का आदेश, चलानी है दुकान तो बतानी होगी पहचान। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखने अब जरूरी होंगे। जारी आदेश के तहत दुकान संचालक का नाम लिखा जाएगा। आदेश दिया गया है कि कांवड़ रूट रोड पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश में अब हलचल बढ़ा दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य किया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना अब अनिवार्य होगा। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के संबंध में सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आशंका अब बढ़ती नजर आ रही है। पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला था। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया है। विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कांवड़ रूट से हटवा दी जाएगी। हरिद्वार के एएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया, कांवड़ की तैयारियों के संबंध में जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और कांवड़ मार्ग पर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें हमारे द्वारा सामान्य निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर मालिक का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में ही नजर आता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। वहीं संचालकों और प्रोप्राइटरों का नाम अंकित न करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस इस मामले में चेकिंग अभियान भी चला रही है। सावन के कांवड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो वहीं होटल और ढाबा कारोबारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।